दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं अगर आप उस ट्रिक का यूज कर लेते हैं तो आप अपने पे का न्यू यू पी आई आई बना सकते हैं बहुत सारे दोस्तों को देखते होंगे कि मैनुअली यू पी आई आई होता है लेकिन आप अपने चॉइस के हिसाब से किसी भी यू पी आई 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 को आप बनाना चाहते हैं वो भी फ्रेंड्स पे का तो फिर इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों मैं आपको सबसे आसान तरीका से बताऊँगा जिससे आप अपने चॉइस के हिसाब से पेटीएम का यू पी बना सकते हैं जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख हैं काफी सारा यहाँ पर यू पी है जिस यू पी को हमें बनाना है उस यू पी को हम अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पर बना सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक अपने भाई का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो दोस्तों पेटीएम न्यू यू पी बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों हमें अपने फोन में पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है मैं यहाँ पर अपना पेटीएम ऐप को ओपन करता हूँ और दोस्तों पेटीएम ऐप ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों अपना पेटीएम यू पी बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक प्रोफाइल आइकन देखने को मिलेगा देख सकते हैं दोस्तों तो इसी प्रोफाइल आइकन पर हमें क्लिक कर देना है दोस्तों प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने फिर से कुछ नया पेज ओपन हो जाएगा तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है इस तरीके से हमें स्क्रॉल रन करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे पे टी सिक्योरिटी और यहाँ पर हेल्प सपोर्ट और उसी के नीचे में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा यू पेमेंट सेटिंग देख सकते हैं दोस्तों तो हमें अपना पे का यू पी बनाना है न्यू तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर यू पेमेंट सेटिंग पर क्लिक करेंगे ओके okay, दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा तो यहाँ पर हम अपने पेटीएम में जो भी बैंक अकाउंट को ऐड किए रहेंगे वो बैंक अकाउंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पर क्लिक करके हम अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं तो हमें पेटीएम में न्यू यू पी आई बनाना है तो इसके लिए हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में मिलेगा ऑर्डर सेटिंग देख सकते हैं उसी के जस्ट नीचे में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज यू पी तो अब हमें यहाँ पर मैनेज यू पी पर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो मेरा पुराना यू पी रहेगा वो यू पी आई यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा तो हमें न्यू यू पी बनाना है या चेंज करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर एड न्यू यू पी पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ यू पी देखने को मिलेगा तो अगर हम इस यू पी को रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर इस पर टिक करेंगे अगर ये यू पी हमें पसंद नहीं है हम दूसरा यू पी रखना चाहते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पर शो मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारा यू पी मिलेगा तो जिस यू पी को हमें रखना है यानी कि एड करना है या न्यू बनाना है तो इसके लिए हम उस यू पी पर टिक कर देंगे जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर ये वाली यू पी को टिक कर देता हूँ देख सकते हैं यहाँ पर इस पर टिक लग चुका है एंड उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते यू पी आई अपडेट सक्सेसफुली हो चुका है अब यहां पर हमें ओके पर क्लिक करना है ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि ये यू पी आई अब मेरा पेटीएम का हो चुका है इस यू पी आई को हम किसी भी फ्रेंड के पास शेयर करेंगे और इस यू पी आई पर कोई भी फ्रेंड मेरा पेमेंट करेगा तो मेरे पे पेमेंट बैंक में आ जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप पेटीएम टी यू पी बना सकते हैं या चेंज कर सकते हैं आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ जब तक के लिए बाय